हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कार। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ऋत्विक गर्ग जी ने मुझसे एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी chess.com पर, और यहाँ एक ऑनलाइन टूर्नामेंट खेला गया था। उस टूर्नामेंट का नाम है स्टॉकहोम चेस सोसाइटी क्लब चैंपियनशिप। फ्रेंड्स, यहाँ दो बहुत ही लेस नोन, आई थिंक ये chess.com पर ही खेलते हैं दोनों खिलाड़ी, लेकिन गेम बहुत अच्छी है। यहाँ chess.com पर इन दोनों को फिडे मास्टर का टाइटल मिला हुआ है। कार्ल बार्क्स 2241 इनकी रेटिंग है, वहीं एरिक थॉर्न इनकी रेटिंग है 2357। चलिए गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ कार्ल ने d4 के साथ शुरू किया था, एरिक ने यहाँ रेस्पॉन्स दिया Nf6 का। ओके, यहाँ कार्ल स्वीडन के खिलाड़ी हैं और एरिक थॉर्न भी मेरे ख्याल से स्वीडन के हैं, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेकर। c4 यहाँ कार्ल का मूव आया, देन हुआ e6, नाइट c3, बिशप b4, निम्जो इंडियन, क्वीन गई e2 स्क्वायर पर, देन नाइट c6। ओके, पॉन पर है थोड़ा प्रेशर, तो नाइट f3 यहाँ व्हाइट का मूव आएगा, d6, देन बिशप आया d2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ कैसल आया ब्लैक का a3। बिशप को डिसाइडेड पोजिशन पर लेकर जाना होगा। बिशप टेक्स c3, बिशप टेक्स c3, देन क्वीन गई e7 स्क्वायर पर, e3, e5, देन d5 को जरूरत नहीं पॉन एक्शन करने की। नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया वापस b8 स्क्वायर पर, और अब ये रिशफल होगा, कुछ मूव्स वेस्ट होंगे यहाँ ब्लैक के। h3, देन हुआ a5, तो b3, नाइट b गोज टू d7, देन बिशप आया e2 स्क्वायर पर, a4, b4, फिर दोबारा कोई जरूरत नहीं पॉन एक्शन करने की, लॉक कर दो b5। और फ्रेंड्स, b5 होने के बाद क्या हम इसे करना चाहिए आगे? मेरे ख्याल से नहीं। यहाँ पहले खेला गया e4, बी टेक्स c4, देन हुआ नाइट d2, और पॉन को नाइट से लेने की तैयारी है, लेकिन यहाँ बिशप b7, देन हुआ b5। और फ्रेंड्स, b5 का मूव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आखिर क्यों व्हाइट ने ब्लैक के नाइट को आने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट दे दी है? नाइट गया यहाँ c5 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स c4 पॉन एक्सचेंज अब जाकर कहीं कंप्लीट हुआ। नाइट गया h5 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये नाइट बिल्कुल कहाँ आएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। बिशप आया b4 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट को जरूर अनस्टेबल करने की तैयारियां है। वेल, नाइट b3। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, एक पूरा पूरा पॉन यहाँ ब्लैक डाउन हो चुका है। नाइट टेक्स b3, ए टेक्स b3 के बाद बिशप टेक्स b3 हुआ, देन f5, तो e टेक्स f5, देन हुआ e4। और फ्रेंड्स, e4 अगले मूव में क्या होगा, एक कदम और आगे को आगे पुश होगा, आई डोंट थिंक सो। खैर, व्हाइट का मूव है, उन्होंने यहाँ कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। नाइट आया f4 स्क्वायर पर, ठीक है, पॉन पर अटैक बनता है, लेकिन रुक अटैच मूव्स टू e1, पहले यहाँ पॉन पर अटैक बनेगा ताकि क्वीन को बचाना पड़े। क्वीन गई यहाँ से g5 स्क्वायर पर, और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली डिस्कवर्ड चेक का खतरा तो है। किंग गया b1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप c8। फ्रेंड्स, यहाँ बिशप का c8 स्क्वायर पर जाना शायद इतना जरूरी नहीं था, गेम प्लान्स रहे होंगे, लेकिन ब्लैक नाइट b3 के ऑप्शन जरूर चुन सकते, लेकिन हाँ, इसमें भी अपने तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि रुक टेक c4 हो जाएगा, बनाओ बिशप पर अटैक, कोई इशू नहीं है। नाइट टेक्स b4, रुक टेक्स b4, लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप c8, इरादा क्या हो सकता है? इरादा यही कि रुक से अगर पॉन लिया जाए तो बिशप टेक्स f5 होने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाए। खैर, ऐसा करने ही के लिए पहले खेला गया g4, पॉन पर हो गया डिफेंस, देन नाइट टेक्स h3 हुआ, रुक टेक्स c4, और अब उस पॉन को लिया गया, देन हुआ h5, बेस पर अटैक है पॉन चेन की, तो इलाज क्या है, एक पॉन और आगे पुश कर दो। देन क्वीन गई d8 स्क्वायर पर, और यहाँ से इस नाइट के भागने के लिए रास्ते भी देखने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से मूव है फिलहाल व्हाइट का, तो रुक की बैटरीज काफी अच्छा वर्क, लेकिन यहाँ कार्ल ने किया रुक e6, और फ्रेंड्स, रुक के e6 स्क्वायर पर आने के बाद इंटेंशंस आप यहाँ देखिए। अक्सर माना जाता है कि पॉन्स किसी एक फाइल में आ जाए तो प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन यहाँ इस डिसएडवांटेज को एक बहुत अच्छे एडवांटेज में कन्वर्ट किया वाइट ने। और इस पॉइंट पर एग्जैक्टली अगर बिशप टेक सी सिक्स यानी कि एक्शन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाएगा डी टेक सी सिक्स के बाद, ई फाइल का पासर डिस्कवर्ड चेक, सॉरी, ई फाइल का ये पास है डिस्कवर्ड चेक के साथ बहुत डेंजरस हो चुका होगा, तो क्या करना चाहिए? रुक b8 क्यों न किया जाए, ये भी है, एक्सप्लॉइट करनी चाहिए वीकनेस यहाँ व्हाइट की गेम में जितनी भी है। खैर, यहाँ खेला गया नाइट g5, और रुक पर कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक्शन सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पर काल तैयार है, तो एरिक का ये मूव ठीक है, चलिए आप।
F4 नाइट पर अटैक है, नाइट को आप हटा लो, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। नाइट एक्स ई सिक्स, डी टेक्स ई सिक्स होने के बाद अगले मूव में यहाँ पर पहले है डिस्कवर्ड चेक की तैयारी, तो फर्स्ट क्या मूव हो जाएगा? क्वीन को हटाना नहीं, क्योंकि ई सेवन चेक फिर भी होगा, रुक बीच में लगेगा, एक्सचेंज जो सेक्रीफाइस दिया था वो जस्टिफाई हो चुका होगा। बिशप टेक्स एफ सेवन, क्वीन टेक्स एफ सेवन, देन क्वीन टेक्स सी सेवन, और अगले मूव में पॉन को प्रमोट करने के प्लान्स तो हैं ही यहाँ पर। खैर यहाँ चलते हैं गेम में थोड़ा सा पीछे, फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया क्वीन ई सेवन, ज़्यादा बेटर भी है, पॉन को आगे पुश करने ही मत। लेकिन इतनी देर में वाइट ने अपने जी पॉन को आगे पुश कर लिया जी फाइव स्क्वायर पर, और अगर कोई खतरनाक मूव कम से कम आपके सामने है तो उस खतरनाक मूव से थोड़ा सा दूर हट जाओ। किंग एच एट एक ऑप्शन थी यहाँ से, लेकिन उसके बाद वाइट अपने रुक को एच वन स्क्वायर पर ले जाकर प्रॉब्लम्स और क्रिएट करेगा, पर उसका डिफेंस क्वीन से हो जाएगा। खैर बिशप बी सेवन के ऑप्शन को पहले यहाँ पर चुना गया, और ब्लैक भी कोई मौका नहीं दे रहा है क्वीन को सी सेवन स्क्वायर पर आने के लिए। खैर फाइनली यहाँ पर खेला गया एफ सिक्स का मूव, और आखिर ये मूव किस लिए खेला गया है, क्योंकि सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है यहाँ पर एरिक की कि संभालना बहुत मुश्किल है। फिलहाल क्वीन पर अटैक है तो एक तरह से कह सकते हैं जी टेक्स एफ सिक्स फोर्स हो जाता है, लेकिन क्वीन से पहले आई चेक, और अब क्या किया जाए? अगर यहाँ इस चेक से बचने के लिए क्वीन बीच में लगाई गई तो डिस्कवर्ड चेक तो आपके सामने है ही, किंग को हटाना होगा, देन क्वीन प्रोमोट होगी, रुक टेक्स एफ एट कर लेते हैं, देन क्वीन टेक्स एच फाइव चेक, और फिर दोबारा क्वीन ही बीच में लगेगी, क्वीन टेक्स एच सेवन, किंग टेक्स एच सेवन, और अब यहाँ रेजिग्नेशन आएगा। मेरे ख्याल से तो और कोई मूव मुझे नजर नहीं। खैर चलते हैं यहाँ गेम पर, यहाँ पहले खेला गया किंग एच एट, बेटर भी है। बिशप आया सी थ्री स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ पर पहले तो किया है इस एफ सिक्स पॉन को पिन, और अगले मूव में तैयारियाँ हैं फॉक लगाने की क्विन और किंग पर, तो क्विन हट लेनी चाहिए थी शायद, एच सेवन स्क्वायर ठीक ठाक स्क्वायर था, लेकिन चलिए बिशप टेक्स एफ सिक्स चेक तो फिर भी खेला जाएगा, रुक टेक्स एफ सिक्स ही करना पड़ेगा, देन हाँ क्वीन टेक्स एच सेवन, पहले क्वीन एक्सचेंज कर लो, डेंजरस पीस को हटा दो, किंग टेक्स एच सेवन होने के बाद जी टेक्स एफ सिक्स होगा, और ये दो पॉन्स बहुत डेडली हो चुके होंगे इस गेम में। लेकिन यहाँ पर पहले खेला गया रुक टेक्स ए थ्री, ये मूव कहाँ से निकल कर आया है? रुक टेक्स ए थ्री से बचने के लिए सिर्फ किंग को एक कदम आगे पुश कर देते हैं वही सिचुएशन को, लेकिन हाँ पहले तो बिशप टेक्स एफ सिक्स चेक करो ना, रुक टेक्स एफ सिक्स होने के बाद जी टेक्स एफ सिक्स क्वीन पर अभी भी अटैक है, और अब क्या करें? अगर क्वीन हटते हैं तो फिर वही इशू आएगा जो पहले था गेम में, उल्टा बिशप और बच जाएगा यहाँ से। लेकिन चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स बी थ्री, पहले चेक दी, किंग गया ए टू स्क्वायर पर रुक पर अटैक बनाने के लिए, और उसके बाद क्वीन को हटाया गया एफ एट स्क्वायर पर, लेकिन फाइनल मूव यहाँ पर वाइट का इस रुक को लेने का बिल्कुल नहीं था, उन्होंने यहाँ पर पहले किया क्वीन टेक्स एच फाइव चेक। फ्रेंड्स से ये गेम 2200-2300 रेटिंग वाले प्लेयर्स की है, और यहाँ इस मूव के बाद एरिक थॉर्न को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन, सबसे पहले तो किंग ही हटाना पड़ेगा, किंग हटने के बाद रुक की एंट्री होती है चेक मेट करने के लिए। फ्रेंड्स बहुत अच्छी टेक्टिकल गेम थी, मुझे उम्मीद है वाइट ने जिस तरह से इस गेम को डोमिनेट किया आपको भी जरूर पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।